सितारगंज में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 9 थीम्स और 17 गोल्स विषय पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौसम चक्र से उत्पन्न हो रही दूषित जल समस्या के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संचालित योजना के बारे में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया गया है। ट्रेनर धनंजय सक्सेना ने बताया है कि 70% बीमारियां प्रदूषित पानी पीने से होती है और वर्तमान समय में पानी की स्थिति तेजी से खराब हो रही है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। एसडीजी को सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति होगी। ये जो 193 देश के राष्ट्राध्यक्षों ने उसमें दस्तखत की है और उसमें यह है कि हमें 17 गोल जो थे हमारे, उन 17 गोलों को 9 गोलों में समाहित किया गया है और वो गोल ऐसे हैं जो हमारे ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत 2030 तक इन लक्ष्यों की हमें पूर्ति करनी है। जो सतत विकास लक्ष्य है हमारे, वो हमारे सबसे पहली चीज़ है एक गांव, स्वस्थ गांव, बाल कैची गांव और आपका पर्याप्त जलयुक्त गांव।